केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान कई दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों से सरकार के साथ बातचीत की अपील की है। लखनऊ में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत से ही समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प किसानों की आय को दोगुना करने का है। किसी भी स्थिति में MSP समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी किसानों के परिवार हैं, हम कृषि कानूनों में संशोधन और समाधान के लिए तैयार हैं। जो भी कृषि हित में आवश्यक होगा वो करेंगे। राजनाथ सिंह ने इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया। उन्होंने दावा किया कि साल 2022 में होने वाले चुनाव में भाजपा 2017 के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतेगी। राजनाथ ने कहा कि भाजपा में सबसे ताकतवर पन्ना प्रमुख है। आप समीक्षा करेंगे तो पाएंगे ये सिर्फ सत्ता हासिल करने वाले कार्यकर्ताओं का झुंड ही नहीं बल्कि एक जीवंत पार्टी है जिसका एक राजनीतिक दर्शन है। उन्होंने कहा कि आप सीना ठोक कर कह सकते हैं कि दार्शनिक अवधारणा लेकर भाजपा आगे बढ़ी है। सभी दलों का विभाजन हुआ लेकिन आज तक भाजपा का एक बार भी विभाजन नहीं हुआ। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।